हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसी का एक और भी उसी के साथ एक स्कीम दूसरी शुरू हुई थी जो कि थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये स्कीम भी सुरक्षा बीमा योजना की तरह ही 2015 के यूनियन बजट में अरुण जेटली जी ने इसके बारे में डिस्कस किया था और 9 मई को ही प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। सबसे पहले इसमें जो लोग इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब एक जो डेट, जो एक एज होती है, एज रिस्ट्रिक्शन इसमें जो है वो 18 से 50 इयर्स तक का है। मतलब जो लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं वो कम से कम 18 इयर्स के हों और ज़्यादा से ज़्यादा 50 इयर्स के। इससे ज़्यादा एज वाले या इससे 18 से कम एज वाले उसमें इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं। और इस बीमे की सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि आपने सुरक्षा बीमा योजना में सुना, मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि सुरक्षा बीमा योजना में क्या था कि आपको केवल एक्सीडेंटल बीमा मिल रहा था, मतलब उसमें आपको जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब आपको 2 लाख रुपए मिल रहे थे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी किसी भी तरीके से यदि मृत्यु होती है, इसमें मृत्यु होना, मतलब जो जिन्होंने ली है ऐसा ना हो बेहतर है, लेकिन अगर पर्सन की किसी भी प्रकार से मृत्यु होती है तो जो उनके नॉमिनी होंगे उनको 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस में ये क्लेम अमाउंट इसमें 2 लाख रुपए का है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डेथ आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की मृत्यु में 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जो मेन चीज होती है इसकी प्रीमियम वो क्या है, देखिए उसमें 12 रुपए का प्रीमियम था लेकिन इसमें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, 330 रुपए का प्रीमियम हो जाता है। जो ईयर इसमें काउंट होता है वो उसी की तरह लगभग लगभग नहीं उसी की तरह ही है, 1 जून से 31 मई तक। तो इसमें 330 रुपए का आपको प्रीमियम पे करना होता है और 2 लाख रुपए इसमें आपको एज अ क्लेम अमाउंट आपके नॉमिनी को दिए जाते हैं। पिछले वीडियो में एक दो लोगों ने हमसे मतलब बात भी किया और उन्होंने बताया भी कि आखिर अगर मान लीजिए हमारे 2-3 जगह अकाउंट हैं तो क्या हम 2-3 जगह से फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ भी आप, मतलब अगर आपके 2-3 जगह अकाउंट हैं तो आपको केवल एक ही जगह आपको उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अगर आप 2-3 जगह भी आप करा लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के समय में आप जानते ही हैं कि सारे अकाउंट आधार से लिंक हो चुके हैं, तो पता लग जाता है कि किसने कितने ले रखे हैं और कितने अकाउंटों से उन्होंने अवेल कर रखा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका भी प्रीमियम कट जाएगा और कोई बेनिफिट मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप सिंगल अकाउंट में ही जिसमें भी आपको सही लगता है आप उस अकाउंट से अपने इस प्रीमियम को कटवा सकते हैं। और प्रीमियम कटवाने का तरीका वही है, ऑटो डेबिट हो जाता है, आप पर्सनली जाके अपने बैंक से आप उन चीज़ों को, जो फॉर्म होता है स्कीम का, आप उस स्कीम के फॉर्म को भर के नॉमिनी फिलअप करके और वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और वो ब्रांच आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट करके इस प्रीमियम को फाइल कर देगी। एक बार समराइज करके मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो 18-50 ईयर्स है। नंबर 2, इसका प्रीमियम अमाउंट जो है वो 330 रुपये है। नंबर 3, इसका जो क्लेम अमाउंट है वो 2 लाख है किसी भी तरीके से मृत्यु पर। और नंबर 4, इसका टाइम पीरियड जो कि है 1 जून से 31 मई तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि और लोग भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें और उन्हें इस जो सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं उनका भी फायदा उन्हें मिल सके। थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।